फ्रेंड्स, आप लोग सब अच्छे ही होंगे, ये मैं आशा करता हूँ। आज मैं जो मुख्य सचिव या चीफ सेक्रेटरी होते हैं उसके उस पर ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ दोस्तों। तो ये आपको मालूम है कि ये जो इंडियन आर्मिटेशन का जो मेरा सेशन वीडियो का चल रहा है उसमें मैं ये अगला वीडियो बनाने वाला हूँ। ये इंडियन आर्मिटेशन जो हमारे पब्लिक एडमिटेशन या पॉलिटिकल साइंस के जो पेपर में जो मिल जाएंगे, ये टॉपिक इसको ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये बहुत टॉपिक हमारे जो हमारे पॉलिटी हो गया या जो हमारे इंटरनेशनल रिलेशनशिप हो गया या जो मतलब कि इंडियन एडमिटेशन हो गया, ये सब में देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, मैं ये टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। तो जो हमारा मुख्य सचिव हो गया या जो हमारा चीफ सेक्रेटरी हो गया उस पर ये टॉपिक करते हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि मीनिंग क्या होता है। या देखिए, राज्य सचिवालय के जो पद के जो मुख्य कार्य को देखते हैं, वो जो मुख्य सचिव होते हैं, मुख्य सचिव जो हमारे ये सभी विभाग के होते हैं, मतलब इससे जितने भी मिनिस्ट्री हुए वो सभी मिनिस्ट्री के ये सब होते हैं। इनकी नियुक्ति हमारे कैसे होगी, फिर इसका मीनिंग क्या है, फिर ये जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेंगे, फिर जो हम लोग इनका पावर देख लेंगे, फिर रिलेशनशिप देखेंगे, ये सब हम लोग देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि जो मेरा नोट्स है ये आप मेरे प्रिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और ये वहां से आप लोग डाउनलोड करके अपने एग्जामिनेशन को में आराम से ये डील कर सकते हैं ये क्वेश्चन को, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हम सबसे देखते हैं कि जो हमारा मुख्य सचिव का जो पद है, जो आज का नहीं है, हमारा ब्रिटेन एरा का, मतलब ब्रिटिश एरा का भी है, ये सबसे पहले 1799 में जो हमारा जो मुख्य सचिव का पद को क्या किया गया, लाया गया। गवर्नर कौन वैली जो जो साहब थे वो ये मुख्य सचिव के पद को लेकर आते हैं, ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद यहाँ पे देखते हैं जैसे जैसे सरकार खत्म होती है, जो मतलब कि हम लोग आजाद होते हैं, वैसे वैसे पद में भी क्या बदलाव होते हैं। आज हम इंडिपेंडेंट हो चुकी है तो इसके भी कुछ पद में बदलाव हुए हैं। उसके बाद जैसे ये केंद्र सरकार ये पद को समाप्त कर देती है और उसके बाद राज्य सरकार इस पद को ला देती है। मतलब कि जब हम लोग देखे थे कि ड्यूअल गवर्नमेंट जब केंद्र में थी तब ये पद हुआ करता था, जब राज्य में हो गई तो ये पद राज्य सरकार को हेल्प करने के लिए हो जाती है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे देखते पद का स्तर मतलब इसका रैंक क्या होता है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये जो हमारा प्रशासनिक सुविधा आयोग जी का जो सिफारिश जो 1973 में जो हुई थी, वहां पे मुख्य राज्य के मुख्य सचिव के लोकसभा के जो ऑफिसर होते वही इनको बनाने की इन्होंने सिफारिश की थी, ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद 1973 में जो राजवर्ती के में बहुत सारे अलग अलग विभिन्न प्रकार के जो क्षेत्र डिपार्टमेंट थे उसको अपना मुख्य सचिव बनाने का दिया गया, ठीक है दोस्तों। उसके वही को रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ पे पंजाब में या मतलब कि जो दूसरे तमिलनाडु जैसे देश में यहाँ पे जो बेसिक जो सीनियर लोकसभा के जो सदस्य थे वो को इस पॉइंट पर अपॉइंट किया जाता है। अब देख लेते हैं इनका जो मतलब मुख्य सचिव का जो कार्यकाल या जो टेन्योर हो गया या जो अपॉइंटमेंट होता है वो कैसा होता है। मुख्य सचिव का जो कार्यकाल ये इस पर क्या कोई फिक्स के टेन्योर नहीं होता है कह सकते हैं, क्योंकि उनको कोई निश्चय कार्यकाल नहीं होता है। जब मन करेगा मतलब कि मुख्यमंत्री का उस समय ये हटा दिया जाता है, ठीक है। तो इसका जो प्राथमिक जो एडमिटेशन के जो मुख्य सचिव होते हैं वो मतलब कि 3-4 साल रखा जाता है, ये सिफारिश किया गया था जो कमेटी के द्वारा, लेकिन उसको स्वीकार नहीं किया गया। मैं पहले ही बता दिया कि जितना भी जो हमारे सचिव होते हैं वो मंत्रिमंडल में जो मंत्री जब गठन बनते हैं वो मंत्री को जैसा लगता है वैसा वो करते हैं। जब उनको जरूरत पड़ता है कि ये मेरे सचिव नहीं रहेंगे तो उनको हटा दिया जाता है, उस पोस्ट से हटा दिया जाता है, ठीक है। तो वैसा ही यहाँ पे जो हमारे चीफ सेक्रेटरी है उनको भी क्या जब मुख्यमंत्री चाहेंगे हटा दिया जाता है, ठीक है। क्योंकि हम लोग पहले ही बता दिए कि मुख्यमंत्री को जैसे अच्छे लगते जो अच्छे लगते उनको ही रखते हैं, ठीक है। उसके बाद इवेंट देख लेते हैं कि जो
हमारे राज्य के जो राजनीतिक कार्यपाल के जो अध्यक्ष होते हैं, मतलब कि प्रमुख होते हैं, वो कौन? हमारे राज्यपाल होते हैं, ठीक है। तो उसके इसी प्रकार जो उनके काम, राज्यपाल के जो काम करते हैं वो मुख्य सचिव ही देखते हैं, ठीक है। मुख्य सचिव ही क्या हुआ, राज्यपाल के जो काम करते हैं। फिर ये राज्य के जो अन्य लोक सेवा के प्रधान होते हैं, लोक सेवाओं के प्रधान होते हैं, ठीक है। मंत्रिमंडल, मंत्री परिषद के प्रधान के रूप में जो हमारे मुख्यमंत्री होते हैं, उनके भी प्रशासन और प्रशासनिक देखभाल भी यही मुख्य सचिव करते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो संसदीय क्षेत्र होते हैं, मंत्री मंत्री परिषद के वास्तविक में जो कार्य करते हैं, उनके रूप में कार्य के निर्माण के रूप में जो हमारे मुख्य सचिव होते हैं वही करते हैं। जो मतलब कि पूरा एक नीति बनाते हैं, पॉलिसी फॉर्मेशन करते हैं, वो मुख्य सचिव ही करते हैं, ठीक है। मुख्यमंत्री के अधीन जो का विभाग रहते हैं, उनके भी मुख्यमंत्री के अधीन, मतलब जो मुख्यमंत्री हो तो उसके अंदर में भी कुछ विभाग वो अपने अंदर में रख लेते हैं, ठीक है। तो उनके भी कार्य को यही पूरा करते हैं, उनका भी देखभाल, वो जो विभाग है उनको भी देखभाल यही करते हैं। उसके बाद जो उनका जो कोऑर्डिनेट का काम यही करते हैं, पूरा कंट्रोल वो विभाग का करते हैं। इसके बाद क्या हुआ, कुछ और जो मतलब कि वर्क यही करते हैं, ये मुख्य चीफ सेक्रेटरी करते हैं। जैसे कि अन्य जो मुख्य सचिव है, जो जैसे राज्य के शासन का एक तिहाई, मतलब कि जो 1/3 भाग पूरा मुख्य सचिव के पास ही रहता है वो। उसके बाद ये जैसे केंद्र में हम लोग देखते हैं कि प्रधान सचिव होते, कैबिनेट सचिव होते, विभागीय सचिव होते हैं, ये निभाते हैं, वैसे ये राज्य में ये जो हमारा चीफ सेक्रेटरी है वही काम करते हैं, ठीक है। इसके बाद जो मुख्य सचिव का जो ये अपने राज्य में सबसे उत्तम ये इनका पोस्ट होता है, ये सबसे ऊपर होते हैं। ये डायरेक्ट हमारे जो चीफ मिनिस्टर है उनका ये सलाह देते हैं। अब ये अपॉइंटमेंट जो हमारा देखिए, क्या इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है, इनका वो अपॉइंटमेंट जो गवर्नर साहब होते हैं वो करते हैं, किनके एडवाइस पे, ये जो हमारे मुख्यमंत्री के एडवाइस पर मुख्य सचिव के नियुक्ति करते हैं। 1973 के बाद इनकी नियुक्ति जो बेसिस्ट, मतलब कि जो सीनियर होते हैं, सीनियर मोस्ट जो IAS ऑफिसर उनको किया जाता है, लेकिन इनका नियुक्ति की करते तो है हमारे गवर्नर साहब, लेकिन क्या, लेकिन इनको सीएम के एडवाइस पर ही करते हैं, ठीक है। इनके कभी कभी क्या होता है, सीएम को पसंद नहीं होता है तो ये पद को खाली करवा दिया जाता है, मतलब कि जैसा सीएम चाहेंगे वैसा उनके सचिव रहते हैं, अगर खाली मतलब उनको अच्छा नहीं लगा तो ये पद खाली कर दिया जाता है, ठीक है दोस्तों।